नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए डेली अपडेटेड वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो आज है दोस्तों 18 अगस्त और आज का एक्सपीरियंस वीडियो नंबर 26। इससे पहले मैं 25 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो स्पेशल हमारे उन भाइयों के लिए है, ये स्वीपर ट्रेड से है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा, हर एक वीडियो का एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनना है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी या और कोई जानकारी है, वहाँ की लोकेशन, कुछ ना कुछ आप लोगों को पता लगता ही रहता है। तो आप लोगों को प्रत्येक जो है, प्रत्येक जितने भी मेरे एक्सपीरियंस की वीडियो है, सभी को एक बार देख लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को हर एक अपडेट आप लोगों को इसके माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। तो आज आप लोगों का 18 अगस्त और कल के एक साथी ने हमें आज जो है शेयर किया, इस कारण से मैं आज आप लोगों को बता देना जा रहा हूँ। साथ ही साथ आज जो है शाम को आप लोगों को जितने भी ट्रेड टेस्ट हुए होंगे आज की डेट में, उनका भी वीडियो जो आप लोगों को शाम तक उपलब्ध हो जाएगा। तो ये वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा और शाम तक मैं आप लोगों को जितने भी साथी निकलते आएंगे सेंटर से, तो आप लोगों को उनका वीडियो अपडेट करवाता रहूँगा। ओके, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। इनका कहना कुछ अजीब ही है, उनका हर एक आप लोगों को ध्यान से सुनना है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा, आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से जो मेरे चैनल के नीचे एक और चैनल क्रिएट कर रखा है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे से कोई भी अपडेट होगा उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये एमसीजी एकेडमी जो ग्वालियर है, हमारी एक एकेडमी है, और जिस पर जो है सारी की सारी एजुकेशनल जो हमारी क्लासेस हैं जल्द से जल्द शुरू होने वाली हैं। इस कारण से इसको मैं पूरे जितने भी हमारे आरपीएफ के बच्चे हैं उस पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ओके, तो इसीलिए आप लोगों को यदि कोई पढ़ने के इच्छुक हैं तो इसको भी सब्सक्राइब किए रहना है, क्योंकि जल्द से जल्द इस पर लाइव स्ट्रीम पर हमारी पूरी फैकल्टी टीम जो है काम करने वाली है। और जितने भी ट्रेड टेस्ट के बच्चे हैं, आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से नीचे जो चैनल क्रिएट कर रखा है हमने, चैनल पर विजिट कीजिए, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे से जो कोई भी अपडेट होगा उसी चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा, इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए अवश्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सर नमस्कार, सर मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। सर नमस्कार सर। सर आपका सर ट्रेड टेस्ट था आज, जी सर मेरा कल था 17 में सर। 17 अगस्त का था ना सर आपका? हाँ जी सर। तो सर आप अपना जो है अनुभव अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे? जी सर। हाँ सर, आप अपना शुभ नाम बताइए। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर दिलीप कुमार है सर। हाँ दलित कुमार जी, तो आपका जो है किस ट्रेड से हो सर आप? मैं स्वीपर से हूँ सर, स्वीपर का ट्रेड सफाई टेस्ट, वाला। सफाई वाला। तो हाँ सर, आप अपना जो है एक्सपीरियंस बिल्कुल शुरुआत से बताइएगा, और एक एक क्वेश्चन जो हमारे भाइयों के क्वेश्चन क्या है मैं लिख लेता हूँ, जो कोई भी प्रश्न होते हैं तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं स्वीपर का, तो उनके जो है जवाब भी आप देते रहना, और इसी प्रकार से आप जो है अपने भाइयों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट, जिस जितना अच्छा बता सकते हो, जितना अच्छा उनको मोटिवेट कर सकते हो, उतना अच्छे से अच्छा बताना, क्योंकि आपके भाई लोगों का भी हो सके, है ना सर? तो आप बिल्कुल शुरुआत से बताइएगा, बिल्कुल आपका मॉर्निंग से क्या क्या हुआ सर बताइए। जैसे कि हम 14 तारीख में निकले सर, 14 तारीख में आप हमारा घर से निकले सर, आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी सहारनपुर है, यूपी सहारनपुर। हाँ सर। हाँ जी, वहाँ से हूँ मैं सर, और मैंने ग्रुप ए डाला था। हाँ सर। हाँ जी, तो इसका ए ग्रुप का सेंटर फिजिकल हुआ था सिकंदराबाद। हाँ सर। तो इसका जो ट्रे टेस्ट का सेंटर लिया था इसने चेन्नई में, तिरुचिरापल्ली पड़ता है चेन्नई से 350 किलोमीटर आगे। हाँ सर। हाँ जी, तो वहां पर दिया था 17 तारीख में। 17 तारीख में दिया था। हाँ जी सर। हाँ तिरुचिरापल्ली। हाँ जी, तो हम सेंटर पे पहुंच गए। हाँ सर। नाइट में 16 की नाइट में पहुंच गए सर। हाँ सर। तो वहीं पर हमने रूम वगैरह लिया, हाँ, सो गए। हाँ सर। तो उसमें रिपोर्टिंग टाइम लिख रखा था 5:30 बजे। हाँ सर। तो रिपोर्टिंग टाइम लिख रखा था, तो जैसे फिजिकल में हमने लाइन लगा दी थी बंदों ने, हाँ जो पहले लग गया था उसका पहले हो गया था फिजिकल, ऐसे ही बंदों ने लाइन लगा दी वहां पर। हाँ सर। हेलो। हाँ जी, लाइन लगाने के बाद एक ऑफिसर आए करीब तकरीबन 6:15 बजे। हाँ। बोलने लगे कि लाइन का कोई फायदा नहीं है, सीरियल वाइज नंबर वाइज बोलेगा। हाँ। जिसका नाम बोलेगा वो अंदर एंट्री करेगा। हाँ सर। तो उन्होंने बोला, नाम बोला मेरा, मेरा 13वें नंबर पे नाम था सर। कहने का मतलब ये है कि लाइन में लगने का कोई फायदा नहीं है, आप फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाँ सर। हाँ जी, लड़कों ने लाइन लगा दी 4 बजे से ही। हाँ सर। हाँ, बहुत लंबी लाइन हो गई थी, तकरीबन 450 बच्चे थे, मतलब 450 बच्चे प्रेजेंट थे। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ सर बोलिए सर। हाँ जी, तो उसमें ग्रुप ए में स्वीपर की ये 10 वैकेंसी थी, 10 वैकेंसी। क्या ओनली 10 वैकेंसी थी सर? हाँ जी सर, 1 SC और 5 जनरल और 4 OBC। हाँ सर। हाँ जी, तो उसमें 10 वैकेंसी पे उन्होंने क्वालिफाई किया था, उसमें क्या नाम है फिजिकल में ऐसे तकरीबन 450 बच्चे करीब। हाँ टोटल 450 बच्चे, मतलब मेरे हिसाब से कि ओनली 10 बच्चों के लिए सिर्फ एक ही दिन ट्रेड टेस्ट हुआ है स्वीपर का। हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ सर वो बोलिए। एक ही दिन निमटा दिया सर। हाँ 17 में।
हाँ जैसे ये हमारा लाइन में लग रहे थे सर आए तकरीबन 6:15 बजे, बोलने लगे लाइन का कोई फायदा नहीं है भैया, नाम बोलेंगे तो अंदर एंट्री करना। हाँ सर तो मेरा नाम बोला सर, क्या नाम है, 13वें नंबर पर। हाँ हाँ सर जी, तो जैसे मेरा नाम बोला तो हम एंट्री किया अंदर, हाँ सर उन्होंने एडमिट कार्ड चेक किया, आधार कार्ड चेक किया, एक और मतलब आईडी होनी चाहिए। हाँ सर हाँ आईडी होती है, जैसे कि क्या नाम है, फिर आगे लाइन लगा दिए। हाँ तकरीबन 50 बंदे हुए तब तक, तो हाँ 50 बंदों को आगे ले गए फिर हाँ सर अंदर। हाँ अंदर ले जाने के बाद वहां पर कुर्सियां बिछाई हुई थी, जैसे कि उनको पद कंफर्म होता है ना कि कितने बंदे आने वाले हैं हमारे, हाँ तो तकरीबन 500 कुर्सियां बिछी हुई थी वहां पर। तो हाँ सर हमको आगे बिठा दिया, 50 का ग्रुप और पीछे छोड़ दिया, मतलब कि एक ग्रुप ही कर दिया मिक्स, 100 100 लड़कों का। मीन्स 50-50 बच्चों का ग्रुप बना दिया कि टोटल 100 बच्चों, जी 100 100 100 होगा, 100-100 के सौ कितने ग्रुप लड़कों का। बनाए? चार। हाँ जी 4 ग्रुप बनाए। हाँ हाँ सर जी, जैसे ग्रुप बना दिया फिर उन्होंने चेस्ट नंबर दिया। सभी को। हाँ जी सभी को नहीं, शुरू में हमें जैसे कि एक ग्रुप था उनको चेस्ट नंबर दिया, हाँ 100 लड़कों को। हाँ सर चेस्ट नंबर देने के बाद फिर हमें बोलने लगे कि 8 8 लड़के आ जाओ। हाँ सर हाँ जी 8 8 लड़कों का उन्होंने ग्रुप बनाया फिर। तो हाँ सर मेरा दूसरे ग्रुप में आने का नंबर, क्योंकि मेरा 13वां नंबर था। हाँ सर हाँ तो हम वहां पर गए, उन्होंने वो फिंगरप्रिंट्स लिए। हाँ हाँ। जी वेरिफिकेशन हुआ, मतलब मतलब फिंगरप्रिंट्स लिए उन्होंने, सर कितने कितने बच्चों का ग्रुप बनाया सर उन्होंने? 8 8 बच्चों का, क्योंकि उनके पास जो लैब थी 8 बच्चों के लिए अवेलेबल थी, एकदम से 8 बच्चे वो कर सकते थे वहां पर। ऐसा सर हाँ जी, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये ऐसा है ना कि मतलब किसी और की जगह किसी कोई और बंदा आ जाता है ना। हाँ हाँ तो उन्होंने चेक किया, चल ठीक है भाई सब। हाँ हाँ तो वहां जाने के बाद फिर आगे बिठा दिया हाँ और कहीं सर ले जाकर, वहां हाँ भी कुर्सी अवेलेबल थी, कुर्सी पर बिठा दिया। कुर्सी हाँ सर पर बिठाने के बाद तकरीबन 10 बजे तक हाँ सर 100 बच्चों का हो गया फिंगर। 10 बजे तक 100 बच्चों का हो गया सर। हाँ फिंगर हो गया। फिंगर पहले, मतलब पहले ये वेरिफिकेशन करवाया नहीं जा रहा था। नहीं सर, ये एंट्री होती है ना, बच्चा ये और कोई है। हाँ 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 ये आधार कार्ड से मैच होता है ना, फिंगर लेते हैं, बच्चा ये और कोई है। हाँ सर हाँ तो वो लेने के बाद फिर तकरीबन टेस्ट हुआ 11 बजे चालू। 11 बजे चालूंगा सर। पहले सब बच्चों का जो है फिंगर है वो किया। हाँ जी 100 बच्चों का, हाँ सर 100 बच्चों का, वो 300 वहीं पर बैठे थे। तो हाँ इनका लेने के बाद फिर उन्होंने बोला कि मतलब कि यहाँ से भाषा का प्रॉब्लम है ना सर, उन्होंने तमिल में बताया, कन्नड़ में बताया और आपका मलयालम में भी, हर भाषा में बताया, जिस भाषा में बोला हाँ बच्चों ने उस भाषा में बताया। वहां हाँ पर सीनियर सब अवेलेबल है हर भाषा के लिए। हाँ हाँ तो उन्होंने जैसे कि बताया, हमको हिंदी समझ में आया और इंग्लिश समझ में आया। हाँ उन्होंने बोला कि आपको 4 मिनट दी जाएगी, हाँ 4 मिनट में आपको टॉयलेट क्लीन करना है हाँ और आपको क्या नाम है, 4 मिनट ही बाथरूम के लिए दी जाएगी, हाँ और आपको क्या नाम है, मतलब कि 3 पार्ट बनाए उन्होंने, एक हाँ तो टॉयलेट साफ करना, एक बाथरूम साफ करना और एक आपका फर्श साफ करना। मतलब क्या क्या? टॉयलेट? हाँ जी बाथरूम हाँ और आपका फर्श, हाँ ये 3 काम बताए। ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ मतलब 3 कार्य देखते हैं बच्चों का। हाँ सर हाँ जी, तो जैसे ही हम बैठे थे 11 बजे, एक ग्रुप का नाम बोला, मतलब कि 8 बच्चे गए हमारे से पहले, हाँ सर 8 बच्चे जैसे करके आए, हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया, उन्हें और कहीं ले जाके, जैसे उनका टेस्ट है और कहीं ले जाके बिठा दिया गया, हाँ सर कि एक दूसरे से बच्चे पूछ लेते हैं ना क्या हुआ क्या नहीं, हाँ हाँ तो हाँ उन्होंने लड़कों को देखने भी नहीं दिया और कहीं ले गया उनको, सर और आपने कहीं। मेरी सर एक्सपीरियंस वीडियो देख रखी थी सर पहले से। हाँ जी आपका एक्सपीरियंस वीडियो देखा था मैंने, बहुत सर आपको कैसा लगा सर? थोड़ा सा अच्छा फील हुआ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर बहुत को क्योंकि बहुत। हाँ जी, बहुत अच्छी मदद मिलती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, तो बच्चों को आने वाले हैं उनके सहायता मिल जाए, जैसे कि ऐप ग्रुप आने वाला है, डी आने वाला है, एक तो हाँ खत्म ही हो गया सीपर का। हाँ हाँ जी उनको सहायता मिल जाए, मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाए। हाँ हाँ बोलिएगा सर आगे। हाँ जी सर, तो वहां से वो एक ग्रुप का खत्म हो गया, जैसे हाँ सर 8 बच्चों का, तो मेरा 13वां नंबर था। तो हाँ सर फिर 8 को फिर बुलाया, हाँ 8 को बुलाने के बाद क्या नाम है, वे बोलते हैं कि गेट है, एक गेट है, गेट हाँ के अंदर जैसे कि टॉयलेट है अंदर, ऐसे करीबन 15 20, हाँ और उन्होंने बाल्टी होती है ना बाल्टी, प्लास्टिक हाँ बाल्टी, प्लास्टिक हाँ बाल्टी में ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ है ब्लीचिंग और जिया पाउडर
हाँ जी, एक आपका एसिड रखा हुआ है हाँ और आपका एक मेरे को कंफर्म नहीं था क्या था, व्हाइट व्हाइट सा था जैसे हाँ दूध कलर होता है ना मिल्क, हाँ ऐसा था। तीन चीज थी हाँ वो रखा हुआ था, और आपके बाल्टी खाली रखी हुई थी, मग्गे हाँ सर रखे हुए थे, और आपका ब्रूस रखा हुआ था, तो हाँ अरजाड़ो वगैरह रखी थी। तो हाँ सर उन्होंने कहा एक एक लड़के को बुला के, एक हाँ लड़के को एंट्री लेते हैं, उसमें हाँ सामान उड़वाते हैं हाँ कि क्या सर नाम है, आप अपना यूज के लिए सामान उठा लो, जो उठाना जितने मात्रा उठानी उठा लो, और आप लेटरिंग साफ करो, आपका टाइम आवर मतलब हाँ चालू हो गया, हाँ ऐसे बोलते हैं। फिर हाँ दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे का देखने नहीं देते, हाँ आप आपको बोलते हैं कि आपका टाइम चालू हो गया, आप लैट्रिन नंबर 5 में जाइए और साफ कीजिए। हाँ हाँ जी, तो ऐसे किया तो हमें पहले कलेक्ट करने के लिए एक राजस्थान के सर थे, वहां पर हिंदी हाँ समझ में आ रहा था, वो हाँ बोल रहे थे भाई आपको 4 मिनट में जितना जल्दी हो सके टॉयलेट साफ कर दो, उसके बाद आप हल्की ये झाड़ू होती है ना डंडे वाली झाड़ू, हल्का हाँ सा एरिया साफ कर दो थोड़ा सा ही, बस में सिर्फ तरीका देख रहे हैं, हाँ तरीका देख रहे हैं, और उसके बाद आपका ये माउथ होता है ना ब्रश साफ हाँ करने का, हाँ वो 4 मिनट में सब कुछ करना था। हाँ हाँ जी, तो जैसे ही क्या सर नाम एक ही है, बंदे को हाँ सर मतलब 4 मिनट में सब कुछ करना है कि जी सभी हाँ जी, 4 मिनट में सब कुछ, लेट बाथ वो पॉट सब कुछ। पोर्शन नहीं, वो सिर्फ क्या नाम है ये देखते हैं पकड़ा कैसे है, कि अच्छा मैं 20 सेकंड में बोल देते हैं बस, दर्द है ऐसा झाड़ू को 20 सेकंड में बोल देते हैं, और माउस को 20 सेकंड में बोल देते हैं, दर्द है बस ऐसा 20 सेकंड में ही। हाँ, पकड़ने के तरीके से या उसको घुमाने के चलाने तरीके से ही मैं कंफर्म कर लेते हैं कौन बच्चा है हमारे हाँ लायक, कोई नहीं, हाँ ऐसा करते हैं। हाँ तो हम सर टॉयलेट में से सफाई की, हमने देखा कि वो हमारे से पहले 8 बच्चा था ना, हाँ तो हमने देखा कि क्या नाम है, उन्होंने टॉयलेट साफ किया है, हाँ हमको भी उसी टॉयलेट में भर दिया। तो हाँ हमने देखा, उन्होंने हाँ हमको बोला कि भाई आपके लिए सामान है, हिंदी हाँ बोल रहे थे सर, उन्होंने पूछते हैं कौन सी भाषा समझ में आएगी, हाँ मैंने कहा सर हिंदी, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए ये सामान रखा है, और भाई आपको टॉयलेट साफ करनी है, और क्या नाम है आपको जो सामान की आवश्यकता है ले जाओ, जितनी मात्रा हाँ चाहती है ले जाओ। तो हाँ वहां से मैंने हल्का हल्का सा 3 मग उठाए, तीन मग उठाने के बाद छोटा है मग ऐसे 250 ml का करीब, हाँ वो मग उठाए, तीनों को हल्का हल्का सा तीनों में से ले लिया, ब्लीचिंग पाउडर भी ले लिया, और एक व्हाइट सा था मेरे को नहीं कंफर्म क्या था, और एक एसिड था, तीनों को ले लिया मैंने। तीनों को लेने के बाद मैं जैसा अंदर गया, मैंने देखा टॉयलेट तो साफ है यार, दीदी पहले से ही बच्चों ने लड़कों ने अच्छी से साफ किया था, मगर इसमें टाइम ओवर करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने ऐसे किया, वो तीनों मिक्स किया और लेटरिंग में डाल दिया, जहां से लेटरिंग होती है ना नीचे, वहां पर डाल दिया और पानी डाल दिया थोड़ा सा, लेटरिंग बिल्कुल चमकदार थी जब चार मेरी, तो मैं कहने का मतलब यार 1.5-2 मिनट में ही बाहर आ गया। हाँ वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में एकदम झाड़ू, मैं फर्स्ट उसको आया नंबर पे बाहर, फर्स्ट हाँ नंबर पर बाहर आने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में झाड़ू दे दी, हाँ झाड़ू देने के बाद कहने लगे ये सफाई करो, हाँ सफाई करने के बाद मैंने सफाई झाड़ू क्या पकड़ी क्या क्या सफाई करना था सर। सर, ये कच्चा मिट्टी वाला होता है ना मिट्टी वाला, वहां हाँ पेड़ पाड़ है ये आम वगैरह की, तो हाँ वैसे ही पड़ा है, काफी दिन से उन्होंने झाड़ू नहीं लगाया, हाँ हाँ तो वो हल्का सा ये एरिया साफ करवाया, बोलने के दर्द है, करने के बाद उन्होंने एकदम से वो बाल्टी रखी है वहां पर एक पानी हाँ की, उसमें कुछ अपना लिक्विड या मिलाया नहीं मिलाया, वो बोलते हैं माउथ पियो और अपना इसमें मतलब चला के दिखाओ उसको। तो मैंने जैसे उसमें बाल्टी में माउथ डाला, लकड़ी में था वो, हाँ उसमें डालने के बाद एक हाथ से मैंने उसे निचोड़ दिया, नीचे से पकड़ने के बाद घुमा दिया, पानी निचोड़ गया उसका, और हाँ फिर चलाया, हाँ चला ऐसे चलाया करीबन 15 सेकंड, 15 सेकंड चला। हाँ जी सर बोलने कहने का लगे मतलब दर्द ये है कि सर ये सब कुछ क्या है कि चलाने का तरीका वगैरह देख रहे हैं, पकड़ते कैसे ये हाँ, सब कुछ सिर्फ देख रहे हैं। ये सिर्फ यही देखते हैं सर, जैसे कि हमने लैट्रिन के लिए कितनी मात्रा उठाई, क्या हाँ उठा रहे हैं क्या नहीं, जैसे कि किसी बंदे को बोलते हैं कि टॉयलेट साफ कर, वो क्या नाम है बाथरूम साफ कर, ये हाँ बाथरूम में फिनाइल तो डलेगा नहीं, हाँ उन्होंने नाम के मतलब वो नहीं डाला क्या, किसी बंदे को कलर की पहचान है तो बेटर है, उन्होंने बाल्टी में रखा, बाल्टी का कोई नेम नहीं है क्या चीज है क्या नहीं है, हाँ कोई बोतल नहीं है वहां पर, कि हाँ बोतल पे नाम पढ़ ले कि ये एसिड है, ये R1 है, R2 है, और कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। हाँ हाँ जी, तो ये होने के बाद हमको बाहर कर दिया, बाहर जाओ आप वेट करो, हाँ और हमारे ग्रुप के जितने बंदे सर थे एक आए, बात और क्वेश्चन बताइए सर, क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में। एक, क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा किसी भी
बंदे से, 425 से किसी भी बंदे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। नहीं सर, बच्चों के क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन सर, बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर जूता चप्पल पहन सकते हैं साफ करते समय? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, ये तो अपनी सेफ्टी के लिए जूता पहन के जाए, जहाँ तक कि मेरा मतलब है, मेरा एक्सपीरियंस है, जूता ही पहन के जाए, क्योंकि एसिड देते हैं हमें, एसिड पैर पर गिर गया या और कुछ देता है, सब होता तो केमिकल ही है सब। हाँ हाँ तो सर, मतलब कोई सा भी जूता पहन सकते हैं सर, कोई सा भी जूता पहन सकते हैं, उसके लिए भी कोई कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई सा भी, अपना जैसा पैसा गए ऐसे ही चले जाओ। अच्छा सर, कपड़े में बताइए सर, कपड़े क्या पहन के जा सकते हैं? लड़के बहुत से ऐसे थे, यहाँ बारिश का मौसम हो रहा था ना सर, हाँ लड़के मैं ज्यादातर देखा हूँ, जैसे की बनिया उसमें जाते हैं, बनियान में जा रहे हैं, हाँ, और कच्छे में जा रहे हैं, हाफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है सर, हाँ मैं देखते हैं ना कि क्या नाम है, एसिड कहीं भी डल सकता है सफाई में, जैसे कि हम ब्रूस चलाएंगे, सीट वगैरह लग सकती है, इस चीज से उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने देखा कि वहां से जो सिलेक्टेड हुआ ऐसा कोई बंदा नहीं है सिलेक्टेड वहां पर, ऐसा जो कच्चे, हाँ जो कच्चे बनियान में हो, या तो उनकी कार्य में दिक्कत हो या कुछ हो, लेकिन सिलेक्टेड बच्चों में नहीं था वो, ऐसा सर, ऐसा बच्चा, हाँ हाँ सर। और जैसे ही, हाँ जी, जैसे हम बाहर निकले तो हमारे से पहले सफाई और सर एक और सर और क्वेश्चन लिखा है सर, एक और बताइए सर, जो मतलब झाड़ू चलाने का तरीका सर, कितना टाइम दे रहे हैं झाड़ू चलाने के लिए? झाड़ू चलाने के लिए देखो टाइम कुछ नहीं है, 4 मिनट के अंदर तीनों काम करना है, मेन मेन टाइम है लैटरिंग, लैटरिंग आप 1 मिनट में साफ करते हो, 2 में या 3 में, झाड़ू के लिए आप ये समझ लो 20 से 25 सेकंड, बस में तरीका देखते हैं कैसे पकड़ा है, बस मतलब पकड़ने का तरीका देखते हैं, पकड़ने का तरीका और चलाने का, हाँ सर, हाँ जी, कैसे है कैसे नहीं, क्योंकि उनका एक सीनियर है वो, मतलब कि जैसे कि ये सफाई वाले में जो सीनियर होता है ना, जो सफाई करता है, हाँ, जैसे कि आपका पुलिस टाइम में आईजी वगैरह होते हैं ना, हाँ, हाँ, उसमें ही मतलब आरपीएम में इसमें सफाई वाले में सबसे हेड होता है, हाँ, सीनियर आ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वो ही देखता है मेन, हाँ, वो देखता है और क्या नाम है, गत्ते पे अपना वो नंबर चढ़ा देता है एकदम से, जैसे हमने वहां से मात्रा उठाई एकदम से नंबर चढ़ा देता है, और जैसे हमने झाड़ू पकड़ी एकदम से नंबर चढ़ा देता है, ऐसा, और जैसे हमने वो लगाया एकदम से नंबर चढ़ाता है, ये नहीं कि बाद में रिजल्ट आएगा ये करेगा वो करेगा, हाँ, एकदम से रिजल्ट वो नंबर चढ़ाने के बाद फिर दूसरे बच्चे को बुला लेते हैं, हाँ, हाँ जी, तो जैसे ही हमारा कदम हुआ 8 लड़कों का, हमें उन 8 के पास ले गए जो हमारे से पहले थे ना, हाँ जी, उन 8 के पास ले गए, अलग जगह बिठा दिया, तो हम वेट करते रहे, वेट करते रहे, 100 बच्चों का वो हो गया, 100 के 100 पे ऐसे ही काम कराया, हाँ जी, तो 100 के 100 बच्चों से यही काम करवाया, हाँ जी, यही तीनों तीनों काम कराया, हाँ, हाँ जी, उसके बाद जो और 100 थे, हाँ, उन्होंने देखा कि टाइम ओवर हो रहा है, हाँ, तो किसी पे कुछ काम करा लिया, एक गवर्नमेंट किसी पे कुछ, एक एक काम दिया, अच्छा मतलब यदि लेट होता दिखता है तो सबको एक एक काम देते हैं, फिर सारे काम नहीं करवाते, हाँ जी, सारे काम नहीं, सारे काम तो सिर्फ शुरू के ही बेंच पे कराया है बस, हाँ जी, और वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से 50 बंदों पे ही सारा काम कराया, तीनों काम 50 बंदों पे कराया, उसके बाद क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा होगा, हाँ जी, टाइम बढ़ता जा रहा था, 50 बंदों में ये समझ लो आप, ये 2 घंटे लग गए थे सर, मतलब कहने का जो है इनक्वालिटी कर रहे हैं वो भी एकदम तरीके से नहीं करवा रहे हैं, मैं तो यही मानूंगा सर, नहीं नहीं तरीके नहीं, मैं सिर्फ यही देखता है कि लड़के की कैसा कर रहा है कैसा नहीं, हमारी लैटरिन वगैरह कुछ नहीं चेक किया अंदर से साफ है या नहीं है, हाँ वो तो सर लैटरिन, सर यदि लैटरिन साफ करने के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या सामान उठाया ये देखते हैं, हाँ जी ये देखते हैं कितनी मात्रा उठा रहा है, एक लड़का था उसने आधा मग एसिड कटा लिया, आधा मग तो वैसे ही 8-9 लैटरिन में इस्तेमाल होता है, हाँ, तो इसी नंबर पर नंबर कट जाएगा उसका, हाँ, इसी पॉइंट पर नंबर काट लेगा वो, हाँ, वो सिर्फ मात्रा वही पे मतलब कुर्सी बिछाया बैठ रहा है, हाँ, वो मात्रा उठाई जिसने, उसने देख लिया कि मात्रा कितनी उठाई है, क्या उठाया है क्या नहीं, वो इसी चीज पर नंबर देता है, अंदर जाके बड़ा लोग है नहीं देख रहा है, हाँ ऐसा करते है ना सर, हाँ, उसके बाद क्या हुआ सर, आपका बाहर बैठा दिया गया, हाँ बाहर बैठा दिया गया, अलग, हाँ, अलग ले जा गए, तो हमारे लड़के हो गए 150 इकट्ठा, हाँ, 150 इकट्ठा होने के बाद बोल लगे नाम, जैसे चेस्ट नंबर देते हैं ना वे, हाँ हाँ हाँ, चेस्ट नंबर दिया, जैसे कि मेरा 13 नंबर था, हाँ, तो मेरे को चेस्ट नंबर दिया था 113, हाँ, 113 नंबर दिया था, तो उसके बाद 150 लड़कों का रिजल्ट आया तकरीबन 3 बजे, हाँ, 3 बजे रिजल्ट आने के बाद जो क्वालिफाई थे उन्होंने नाम बोला, हाँ, जैसे कि शुरू के 8 बच्चे थे ना सर, हाँ, मतलब 101 102 108 तक, उसमें से नाम बोला मतलब नंबर बोला 105, हाँ, फिर बोला 108, हाँ, ऐसे नाम बोलता मेरा भी भूल गया, हाँ, 113, हाँ, तो हम
हमने सोचा हम बाहर हो गए तो हमको अलग कर दिया। 150 में से ऐसे सिलेक्टेड हुए सर हम तकरीबन 38 बच्चा। 38? हाँ जी हाँ सर। ऐसे ऐसे सेलेक्ट करने के बाद तो फिर उन्होंने कहा जो और बैठे थे बच्चे कि भाई आप क्वालिफाई नहीं हो और आप घर जाइए। हाँ। अपना बैग उठाइए और घर जाइए। हाँ। दो चार जो कॉन्स्टेबल होते हैं। हाँ। वो गेट से बाहर कर गए। आप लोगों को मतलब आप लोगों का नाम बोला था, जिन लोगों का नाम बोला था वो पास हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। वो उन्हें उल्टा ही चेस्ट नंबर बोलते हैं जो क्वालिफाई होता है। हाँ सर। हाँ जी। हाँ। तो क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई होने के बाद हमें अंदर ले गए हॉल में। हाँ सर। वहाँ पर पंखा अच्छे से चल रहा था। हुँ। तो फिर वहाँ से क्वालिफाई होने के बाद अंदर हो गए। फिर वो जो रिजल्ट आया था उसमें एक अधिकारी ने मैच किया कि कोई बच्चा वैसे तो नहीं आ गया, पर जी मिल के तो नहीं आ गया एक दूसरे के साथ। हाँ ऐसा आ जाते ना बच्चा सर। हाँ, तो सबके नाम वगैरह चेस्ट वगैरह चेक किया, फिर बोलने लगे भाई अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लो और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होएगा आपका। तो एक ट्रिपल स्टार थे। हाँ हाँ जी। तो ट्रिपल स्टार ने हमारे बोले कि अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका 10वीं की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, हाँ आपका स्टेट का ये हो गया, क्या नाम है बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट सर सेंटर का हो गया सर, साइड जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल का चाहिए स्टेट का? सर ऐसा है मेरे पास दोनों थे। हाँ। दोनों होने के बावजूद मैंने दोनों ही दिखाए। हाँ। लेकिन मेरी जो फोटो कॉपी थी वो सेंटर वाले की थी। हाँ। हाँ। जो प्रॉब्लम आ रही है सर वहाँ से मोस्टली ओबीसी के लिए आ रही है। ओबीसी के लिए एक साल के लिए वैलिडेट होता है ना क्या सेंटर का कास्ट? नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट होता है उनका शायद एक साल के लिए वैलिड होता है, मेरे को तो कन्फर्म नहीं, मैं ऐसी था ना। हाँ। तो उनके लिए वे टाइम दे रहे हैं 4 हफ्तों का। अच्छा 4 हफ्तों का। हाँ जी, उन्होंने सेंटर चेन्नई दिया है। हाँ। हमारा तिरुचिरापल्ली था ना। हाँ। उन्होंने सेंटर का नाम चेन्नई दिया है कि अपना 4 हफ्ते के अंदर अंदर 14 तारीख में दिया उसने। हाँ। 14 तारीख 9वें महीने में, हमारा 17 में था। हाँ। इतने दिन दिया है कि आप अपने उस तारीख उस दिन में। हाँ। आप अपना वहां से सबमिट करा दो, अगर नहीं सबमिट करवा पाई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हाँ। तो ऐसे करने के बाद हाँ उन्होंने फोटो कॉपी ले ली हमसे। हाँ। फोटो कॉपी लेने के बाद चेक किया सबने, सब अधिकारियों ने। हाँ। फिर उसके बाद जो एक और सीनियर आया कहीं से 7 बजे, बड़ा सीनियर सबसे। हाँ। तो उस सीनियर ने भी सब फिर सबका चेक किया। हाँ। जिसकी की कमी थी उसका, जैसे कि एक लड़का था सर ये पटना का। हाँ। उसकी जल्दबाजी में घर मार्कशीट रह गई और वो पास हो गए था मार्कशीट टेस्ट में, क्योंकि वेरिफिकेशन तो बाद में कर रहे हैं। तो वो लास्ट लो बिठाया रखा। तो उन्हें जो बड़े सर है उसने बोला 3 दिन के अंदर। हाँ। 3 दिन के अंदर मार्कशीट जमा करा दो। हाँ। उसने बोला सर 3 दिन तो मेरे आगे जाने जाने के लगते हैं। हाँ। कैसे भी करो, घर से मंगाओ या ना मंगाओ, हमें कंफर्म नहीं है, गलती आपकी है, तो 3 दिन के अंदर आप जमा कराओ। हाँ। अगर 3 दिन के अंदर जमा नहीं कराओगे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हाँ। तो लड़का रो रहा था। हाँ। मेरे को बोल रहा था क्या करूं, मगर यार आपने भैया या पापा को बोल और आप यही चेन्नई में रुक जाओ। हाँ। और उधर से लेके आ जाएंगे। हाँ। ऐसा है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है या किसी के पास एंटर का नहीं है। हाँ। या कुछ भी है मतलब और प्रॉब्लम है नहीं। हाँ। तो वो टाइम दे रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर मार्कशीट वगैरह में डेट ऑफ बर्थ अलग है। हाँ। या आपके पास कोई आईडी नहीं है। हाँ। तो आपको टाइम नहीं दे रहे, पहली बात तो आईडी के बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी। हाँ, ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है सर। हाँ सर ऐसा है। तो अगर मार्कशीट वगैरह की डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है, क्वालिफाई करने के बाद ही पता चलता है ना कि किसके पास वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना। हाँ सर, सर एक बात और बताइए सर, जनता जाती है वैसे तो 450 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करते ना हमें। हाँ सर, सर एक बात मुझे बताइएगा सर। सर जैसे मतलब क्या क्या सेंट्रल का क्या लग रहा है, सिर्फ ओनली कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लग रहा है और सब कुछ क्या है नॉर्मल लग जाएंगे ना? हाँ, एक चीज और है सर। हाँ, मैं पूछ रहे हैं किसी ने क्या नाम है ये ग्रेजुएशन किया है। हाँ, पूछ रहे हैं अगर बोला है तो मार्कशीट दिखा दो। हाँ, मैंने किया था लेकिन मैं लेके नहीं गया। हाँ, मैंने उन्होंने पूछा कि ग्रेजुएशन किया है। हाँ, मैं सर ग्रेजुएशन प्लस आरटीआई किया है। कहने लगा मार्कशीट, मैं सर मार्कशीट तो मैं लेके नहीं आया क्योंकि मैंने सोचा अवेलेबल नहीं है। अब 3-4 दिन का रास्ता है, क्या पता कागज कब हो जाए, चोर भी ऐसा फिरता है ट्रेनों में। हाँ सर। हाँ, वो इसलिए मैं वहां से सबमिट नहीं कराता है। लेकिन ये पता नहीं क्यों मांग रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे हैं, वैसे वो पूछ रहे हैं यदि हो तो दे दो।
हाँ जी, हो तो दिखा दो, नहीं हो तो नहीं सही, और सर नहीं है डॉक्यूमेंट्स को मैं। सर एक बार और क्लियर कर दीजिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स में अपन जो कुछ लगाए हैं वही वही चाहिए ना, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं चाहिए? हाँ देखो सर, देखते में सब कुछ है। देखो एक तो आपके आधार कार्ड हो गया, एक आईडी होगी, मतलब मेन चीज तो हाँ एडमिट कार्ड हो गया, दो चीज होगी, हाँ तीसरे नंबर पर 10वीं की मार्कशीट होगी। हाँ सॉरी सर, चौथे नंबर पर आपकी क्या नाम है, इंटर की होगी। हाँ इंटर की होगी। हाँ सर जी, और आपका पांच नंबर पर निवास प्रमाण पत्र हो गया, हाँ सर छठे नंबर पर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया स्टेट वाला, हाँ सातवें नंबर पर आपका केंद्र वाला हो गया। हाँ सर उसके बाद अगर आपके पास और भी क्वालिफिकेशन हो तो दिखा दो, नहीं हो तो नहीं सही। ऐसा। लेकिन हाँ मेरा, मैं ऐसे था, लेकिन चेक किया है, वैसे ही एक छोटे हाँ सन ने चेक किया है, देखा है कि क्या क्या है इसके पास, हाँ लेकिन उसने फोटो कॉपी ली है मेरे से, सिर्फ हाँ एक 10th की और एक सेंटर का, दो फोटो कॉपी लिया है और एक एडमिट कार्ड, हाँ सर सिर्फ तीन चीज लगाया उसने। नहीं हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि इतना ले लिया उतना नहीं भी सर काफी है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना मार्कशीट वगैरह लेकर जाओ, इतना होता क्या है नहीं, इतना ही डर लगता है बस, सर? इतना आपका होता नहीं है, इतना ही डर लगता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं आया, सब सीनियर है, अच्छी तरीके से बात करता है, ये नहीं है कि बहुत बड़ा सीनियर है, धमका देगा, ये कर देगा वो कर देगा, सब हाँ अच्छे से बात करता है। हाँ सर, सर आप जो है इसको, आपको भी पता है सर बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं सर, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलिए सर थोड़ा सा। ये मोटिवेट तो यही है, घबराना नहीं, मेन बात घबराना नहीं, हाँ और आप जैसे कि वहां जाओ अपना घबराना नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा, मतलब अपने अच्छी तरीके से रखना है। गुम हाँ सर हो जाता है लड़के का, एक का गुम हो गया था वहीं से, अपने वेरीफाई मतलब डॉक्यूमेंट्स अपने चौकस रखना है, हाँ और शोर नहीं मचाना, सबसे मेन बात है शोर नहीं मचाना वहां पर। हाँ सर शोर मचाते हैं ना, जैसे कि एक कांस्टेबल छोड़ दिया आपका 50 बंदों पर, तो एक कांस्टेबल पर 50 बंदे चुप तो होंगे नहीं। हाँ ये भी सही है। हाँ हाँ तो शोर नहीं मचाना। और दूसरी बात है, क्या नाम है, जैसे कि आपको एंट्री अंदर कराएंगे हाँ और एक लड़का दूसरे लड़के का देखता रहता है ना, हाँ तो उसमें भी मैं डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ऐसा। क्योंकि अगर, हाँ जी, अगर मेरे पे आता है तो मैं दूसरे का नहीं देखूंगा, हाँ ये मैं भी इसी सही चीज है। पर भी ध्यान देते हैं। हाँ मान ली बात है, कोई झाड़ू लगा रहा है हाँ और मैं सर उसे लगाता लगाता देख रहा हूँ कि कैसे लगा रहा है वो, हाँ सर देखने का काम हमारा नहीं, देखने का काम अधिकारी का है। हाँ सर हाँ तो अधिकारी देखेगा कैसे लगा रहा है कैसे नहीं। अगर आप दूसरे को, आपको आते भी है तो दूसरे को देखोगे, सोचता है अधिकारी, सोचेगा कि क्या नाम है, इसको आते नहीं साला, इसको देख रहा है, हाँ सर ऐसे ऐसे करेगा। हाँ तो ये दूसरे का देखना नहीं, जैसा भी आपका आता है 70%, 100%, जैसा भी आता है अपना खुद कीजिए। हाँ सर और हाँ, जितना भी है लेटरिंग वगैरह ही साफ कराएगा, ये नहीं है कि सेप्टिक टैंक साफ कराएगा या और कुछ साफ कराएगा, नोटिफिकेशन में दिया था ना सेप्टिक टैंक, हाँ वो नहीं साफ कराएगा। और आपका क्या नाम है, जितना हो सके फास्ट फास्ट साफ कीजिए, साफ हाँ तो होता ही है, हाँ साफ तो होता ही है। जैसे कि शुरू के ग्रुप को दिक्कत आएगी, शुरू के ग्रुप को तो साफ करना पड़ेगा, लेकिन साफ ही, मेरा तो मानना ही है, जैसे कि साफ, मेरा आपको देखा आपने लेटरिंग आपकी साफ है, जो हाँ कुछ भी लेकर उठा के गए सारा डाल दो और 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर बाहर निकल जाओ। हाँ हाँ पानी पूरी डाल के 1 मिनट के अंदर बाहर निकल जाओ, हाँ सर वह थोड़ा ही ना देख रहे कि इसके आया नहीं किया, हाँ हाँ अंदर नहीं देख रहे, उन्हें तो सिर्फ ये देखना है कि मात्रा कितना उठाई है, कितने टाइम से बाहर आ रहा है और क्या तरीका है क्या नहीं, बस ये चीज है। ये लोग देखते हैं, हाँ सर एक एक लड़के की अगर चीज देखने लगे, एक हाँ एक लड़के की, एक लड़के पे कम से कम 10 मिनट लग जाएगा सर, हाँ बिल्कुल लग जाएगा सर 500 500 बंदे कम से कम बुलाएगा एक दिन में, 500 हाँ सर को आप 10 से गुना करोगे, देखो कितने मिनट बैठती है और कितने घंटे बैठते हैं, वो तो इसी काम में रह जाएगा ना, फिर हाँ वो सर देखता नहीं, हाँ सर वो देख नहीं पाता इन चीजों को, वो सिर्फ यही देखता है क्या सामान उठा रहा है, कितनी मात्रा उठा रहा है। ये एक लड़की को बोला कि टॉयलेट साफ, वो क्या है, बाथरूम साफ कर ले, तो हाँ उन्होंने हार पी के रखा था पानी मिला के बाल्टी में हाँ नीले कलर का, वो हार हाँ पी ले गया, बाथरूम में हार पी का क्या काम, हाँ सर उस चीज को देखता है। हाँ हाँ जैसे कि आप R1 R2 बच्चों ने ज्यादातर नेट से वो पढ़ाई किया ना, यूट्यूब से, क्योंकि हाँ 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 वैसे तो R1 R2 R3 ऐसा वहां कुछ नहीं है, हाँ ऐसा लिक्विड वहां पर कुछ नहीं है, हाँ उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बना रखा है, वो ब्लीचिंग पाउडर था वहां पर। हाँ हाँ ब्लीचिंग पाउडर बहुत से बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना कि क्या नाम है, लैटरिंग में डाल दिया, वैसे हाँ हम हमने भी उठाया था, हम क्वालिफाई हो गया, लेकिन हमने इस सिचुएशन पर उठाया था, देखते हैं क्या है अंदर, हमें हाँ पता नहीं था ना, हाँ
यह ब्लीचिंग पाउडर वहां डलता है जहाँ गंदगी होती है, जैसे कि यूरिन निकलता है बाथरूम टॉयलेट से, मच्छर वगैरह डलते होते हैं वहां पर, वहां डाल देते हैं। हाँ, और हाँ, उसको पानी अगर आप वानी नहीं लेटरिंग में ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो साफ करने के पिच पिच हो जाएगा, वहां और गंदा हो जाएगा। डाल। हाँ सर, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर मत उठाना वहां से। हाँ, हाँ यही बस यही मैं टू वेट था, मेरा एक्सपीरियंस यही था सर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए दिया सर। जी सर, सर आपका जो वीडियो है, आप लोगों को सर आपको 1:15 पर आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगा सर। जी 1:15 सर। यस सर, MCG अकेडमी ग्वालियर पर। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी सर।